Hello student, this is Sanjeev Jha, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel. Okay, as you see, that is our topic is brain and its part. Basically, हम लोग brain के three part पढ़े थे, जिसमें four brain के बारे में हम discuss कर रहे थे. हमारा discussion चल रहा था four brain के ऊपर, जिसमें हमने cerebrum already पढ़ चुके हैं, उसके structure, location, function, सारा हम पढ़ चुके हैं. और आज का जो बचे हुए जो दो पार्ट्स हैं फोर ब्रेन के, उसको कोशिश करेंगे कवर करने के लिए. तो बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेगी. ठीक है, तो ये थैलेमस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का. चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है. लेट्स सी नाउ. एज यू सी इन द पिक्चर, द ग्रीन कलर स्ट्रक्चर, जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वही क्या है, उसे ही हम थैलेमस कहते हैं. तो थैलेमस आप देख के, आप एक आइडिया लगाने के लिए मैंने ये पिक्चर रखा है कि जैसे आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर का जो पिक्चर है, ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है, रादर पिक्चर में जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है दिख रहा है आप लोगों को राइट हैंड में, वही क्या है, थैलेमस है. राइट, तो जैसे कि आप देख रहे हो इट इज़ एग शेप. इसका शेप कैसा है थैलेमस का, थैलेमस का शेप जो है वो एग शेप है. और दूसरा चीज़, ये बना किससे है, इसका कंपोजिशन क्या है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ मास ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट इन द डायन्सेफलम, अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. फोर ब्रेन का दो पार्ट होते हैं, हम लोग पढ़े थे, याद ही होगा. फर्स्ट वन इज डायन्सेफलम एंड सेकेंड वन इज डायन्सेफलम. तो ये डायन्सेफलम के अंदर जो ग्रे मैटर है उससे बने हुए, उससे जो बना हुआ पार्ट है या उससे बना हुआ जो मास है, उस मास को हम कहते हैं थैलेमस. क्लियर बच्चों? तो थैलेमस इज अ लार्ज एग शेप मास ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट इन डायन्सेफलम अ पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन. और क्या करता है, तो थैलेमस इज इन्वॉल्व इन सेंसरी एज वेल एज मोटर फंक्शन ऑफ द ब्रेन. यानी ब्रेन के सेंसरी और साथ ही साथ मोटर फंक्शन दोनों को ये जो थैलेमस है, ये जो स्ट्रक्चर है, कंट्रोल करता है. इसीलिए मैंने कहा कि थैलेमस बहुत इम्पोर्टेंट है. राइट, ये दोनों फंक्शन को एक साथ रेगुलेट कर सकता है. तो बच्चों, आप लोगों के मन में आता होगा कि सेंसरी फंक्शन क्या होते हैं, तो मोटर फंक्शन क्या होते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सेंसरी मतलब सेंस, आपको नाम से पता चल रहा है, सेंस करना. जैसे हम किसी चीज़ को फील करते हैं या सेंस करते हैं एनवायरनमेंट में. राइट, जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं, साइट करना, साउंड, किसी चीज़ को सुन रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, कोई अच्छा स्मेल, बैड स्मेल, टेस्ट या फिर हियरिंग. तो ये सब जो है इसे हम सेंस करना या क्या बोलते हैं इसको, स्मेल करना, सॉरी इसको सेंस करना या फील करना हम इसे कहते हैं. तो ये सारे काम जो हैं, ये हमारे दिमाग का ये थैलेमस पोर्शन जो है ये करता है. अगर ये नहीं रहता तो कोई भी सेंस करना हम नहीं कर पाते. यानी हम जैसे बोलते हैं ना, ब्रेन हैमरेज वगैरह हो जाता है, सेंसलेस हो जाता है, कॉन्शियसलेस हो जाता है. तो ये इस चीज़ को कंट्रोल करता है. साथ ही साथ तो ये हो गया सेंसरी, और दूसरा जैसे मोटर फंक्शन. तो मोटर फंक्शन क्या हुआ, जैसे मसल्स, आर्म्स, लेग्स, हैंड, इसके मसल्स को ये कोऑर्डिनेट करता है. जैसे हमें जहाँ चाहिए वहाँ हम अपने हाथ को ले जा सकते हैं, घुमा सकते हैं, पाँव को अगर दौड़ना है तो दौड़ सकते हैं. ठीक, तो ये इंस्ट्रक्शन भी देता है ऑर्गन को, मसल्स को इंस्ट्रक्शन भी देता है कि आप ऐसा करो. तो दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स ऑफ आर्म्स, लेग्स, हैंड एक्सेट्रा आर द मोटर फंक्शंस. तो आपको पता चला कि सेंसरी फंक्शन क्या है और मोटर फंक्शन क्या है. राइट, तो इन दोनों फंक्शन को जो कंट्रोल करता है वो थैलेमस है. तो सोच सकते हो आपके थैलेमस कितना इम्पोर्टेंट है. राइट, समझ में आया आप लोगों को बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं एक छोटा सा डेफिनेशन दे रहा हूँ, वो लिखिएगा. दैट इज व्हाट इज थैलेमस. तो क्या बताएंगे, द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन मेड अप ऑफ मास ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट इन द डायन्सेफलम एंड कंट्रोल ऑल द सेंसर एंड मोटर फंक्शन ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड थैलेमस. क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, पानी की तरह एकदम साफ है. आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे. एम आई राइट? ओके, तो मूव करते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जो स्लाइड बताएगा हमारा स्ट्रक्चर. ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर नहीं,
आप जान सकते हो स्ट्रक्चर यहीं से आपको पता चल रहा है कि ये बना के स्ट्रक्चर मतलब बना है किससे, तो मास ऑफ ग्रे मैटर, किससे बना है, मास ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट इन डायन्सेफेलॉन। तो यहाँ से और एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ थैलेमस, थैलेमस किससे बना हुआ है बच्चों, तो थैलेमस इज मेड अप ऑफ मास ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट इन डायन्सेफेलॉन। तो ये कंपोजिशन भी हो गया, राइट तो हमें पता चल गया कि थैलेमस क्या है और थैलेमस बना किससे है और इसका शेप कैसा है, राइट चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो लोकेशन ऑफ थैलेमस। चलिए देखते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हो थैलेमस का लोकेशन, तो थैलेमस इज़ ए पार्ट ऑफ डायन्सेफेलॉन। थैलेमस क्या है, एक डायन्सेफेलॉन का एक पार्ट है। ये लोकेटेड कहाँ है, तो इट इज़ लोकेटेड डीप इन द फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के एकदम गहराई में, ठीक है, फोर ब्रेन के अंदर है, एकदम से एकदम सबसे भीतर में है, ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। इसके ऊपर आप देख रहे हो ये फोर ब्रेन है, आपके ऊपर दिख रहा होगा ऊपर वाला, ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर वाला जो हम पहले पढ़ चुके थे, सेरिब्रम वगैरह सब, राइट तो ये वो पार्ट है, उसके नीचे में आपको ये दिख रहा है ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, ये इसका लोकेशन है। तो अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज़ लोकेशन, तो इट इज़ लोकेटेड डीप इन द फोर ब्रेन प्रेजेंट जस्ट अबाउट द मिड ब्रेन, राइट। तो बच्चों आप यहाँ पे देखो, ये है मिड ब्रेन, दिस इज, ये है मिड ब्रेन, ठीक है, इस नीचे भी है जो या इस पिक्चर में नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट है इसके नीचे जो चले जाओगे तो मिड ब्रेन रहता है, तो जस्ट मिड ब्रेन के एकदम ऊपर में है, और हाई ये जो मिड ब्रेन के एकदम ऊपर में ये स्ट्रक्चर है डायन्सेफेलॉन, सॉरी थैलेमस का, राइट समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डायन्सेफेलॉन लोकेटेड कहाँ है, जस्ट इट इज़ लोकेटेड डीप इन द फोर ब्रेन प्रेजेंट जस्ट अबव द मिड ब्रेन, राइट क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। तो ये हमारा लोकेशन है किसका, थैलेमस का। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, फंक्शन, तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ थैलेमस। तो ये थैलेमस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है या रोल प्ले करता है इन हमारे, जैसे अभी मैंने बताया था, सेंस हो या फिर मोटर फंक्शन हो, ठीक है। तो सबसे पहले इट एक्ट एज ए हायर सेंटर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्रूड सेंस, जैसे टच, पेन, जॉइंट सेंस, मसल सेंसेशन, ये सब जो होता है इस सब को वो कंट्रोल करता है, इस सब का ये सेंटर है, मतलब सारे चीज़ यहीं पे आते हैं। अगर आपके पास ये नहीं रहेगा या ये किसी वजह से काम करना बंद कर देगा थैलेमस, तो आपका टच, कोई आपको टच करता है या आपको जो फील होता है किसी का पेन, किसी चीज़ का जैसे कट जाता है या फिर कोई चुभ जाता है या किसी वजह से जो पेन आता है, टच होता है, मसल्स और जॉइंट का सेंसेशन जो आता है, ठीक है, ये चीज आपको कुछ फील नहीं होगा, ठीक है। थैलेमस अगर किसी वजह से क्या हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए, तो क्या करता है, इट एक्ट एज ए हायर सेंटर ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्रूड सेंस, ओके। नेक्स्ट दूसरा, जैसे आप देख रहे हो बच्चों, इट एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर इमोशंस एंड रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। जितने इमोशन रहते हैं हमारे अंदर, देखते हो कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी उदास होते हैं, ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए, सारे इमोशंस जो होते हैं इस चीज़ को जो कंट्रोल करता है वो थैलेमस करता है। और साथ ही साथ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, यानी आपके रिफ्लेक्स एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, या अलर्टनेस को, एक ही बात है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी या अलर्टनेस, इसको भी ये कंट्रोल करता है। तो हमने क्या देखा, इट एक्ट एज इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर इमोशंस एंड रिफ्लेक्स एक्टिविटी और अलर्टनेस, ठीक है। ये क्या होता है, क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन मन में आता हो कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी या अलर्टनेस क्या होता है, अलर्टनेस आप सोच लो, रिफ्लेक्स एक्टिविटी या अलर्टनेस क्या होता है, वो चीज़ जो आपको अलर्ट रखता है ना, कुछ भी चीज़ के लिए, मानो कहीं से आपको भागना है, देख रहे हो कि कोई जैसे कुत्ता आपके पीछे पर आए, तो आपको वहाँ से किस तरह से बचना है उसके लिए आप अलर्ट हो जाते हो, राइट। सामने कोई खतरा है तो उसके लिए आप किस तरह से अलर्ट हो जाते हो, राइट। तो तब आप जो उसके उसके अगेंस्ट आप अपने आप को ढाल लेते हो, वो रिफ्लेक्स एक्टिविटी कहलाता है,
जैसे मान लीजिए कांटा चुभ रहा है आपके पाँव में, तो आप तुरंत रिएक्ट करोगे, आपका हाथ वहाँ चला जाएगा, ठीक है। या कोई गाल पे थप्पड़ मार दे जल के, तो आपका हाथ उस गाल पे चला जाएगा। तो ये रिफ्लेक्ट, हाथ का जाना गाल के पास, तो और जहाँ कट गया कांटा चुभ गया वहाँ पे हाथ को हाथ का जाना, ठीक है। तो इस तरह से इस एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ कहते हैं या अलर्टनेस कहते हैं। तो इसको भी जो कंट्रोल करता है वो थैलेमस करता है। अगर थैलेमस नहीं रहेगा या थैलेमस किसी वजह से नुकसान पहुंच जाएगा तो ये एक्टिविटी भी आप नहीं कर पाओगे। तीसरा जो है, देखो बच्चों मैंने यहाँ पे पॉइंट देना भूल गया है, ठीक है। तो तीसरा, ये तीसरा है, इट एक्ट एज ए रिले स्टेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है, किसका, सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन का। वही फंक्शन और इन्फॉर्मेशन चीज़ एक ही है, इसको मैं पहले बता चुका था, ठीक है, समझ में आया। यानी आपको ब्रेन हैमरेज वगैरह होता है, सुनते हैं हम लोग ब्रेन हैमरेज हो गया बच्चों को, तो ब्रेन हैमरेज वगैरह जो हो जाता है तो इसी की वजह, अगर ब्रेन हैमरेज हो गया तो क्या होगा, सारा सेंस बॉडी तो ज़िंदा रहेगा बट आप कुछ किसी को वो सेंस होगा नहीं, है ना। ब्रेन हैमरेज वगैरह सुनते हैं हम लोग बहुत समय, देखते हैं कि सेंसलेस कंस कोमा में चला जाता है बहुत आदमी, तो ये सिचुएशन होता है कि उनका थैलेमस काम नहीं करता है, कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। पहुंच तो पाता है लेकिन फिर उसको रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सेंस नहीं कर पा रहा है और ना ही मोटर कुछ कर पा रहा है, समझ में आया। ना सेंसरी फंक्शन कुछ होता है और ना ही मोटर फंक्शन कुछ होता है, तो ये जो होता है फंक्शन ऑफ थैलेमस इसको कंट्रोल करता है, समझ में आ रहा है बच्चों, इंटरेस्टिंग लग रहा है बहुत। मैंने पहले ही बताया था कि बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा और आप लोग बहुत क्वेश्चंस करते हो, इसी के हिसाब से मैंने थोड़ा डिटेलिंग में बता दिया है इस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा जो फंक्शन है थैलेमस का, ये बताता है कि इट कंट्रोल द नॉर्मल हियरिंग। आप जो ये वीडियो सुन रहे हो, ठीक है, या विजुअल प्रोसेस जो वीडियो देख रहे हो, इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस। अगर थैलेमस नहीं रहा तो आपका नॉर्मल हियरिंग डैमेज हो सकता है, विजुअल प्रोसेस ये डैमेज हो सकता है, और साथ ही साथ द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ए पर्सन, ठीक है, कॉन्शियसनेस ऑफ ए पर्सन को भी कंट्रोल करता है। तो ये सारे काम कौन करता है, थैलेमस करता है। तो थैलेमस प्ले वाइटल रोल इन अ ह्यूमन ब्रेन, ओके, समझ में आया बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग थैलेमस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, राइट। तो दीज आर द सम फंक्शन, अगर कोई भी इसमें से कुछ हो रहा है, ये चीज़ अगर आपका थैलेमस किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो ये सारे एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे दिया हुआ जो फंक्शन है वो फंक्शन किसी तरह से बाधा हो जाएगा, ठीक है, और वो काम पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लियर बच्चों, आई होप आप लोग को समझ में आएगा फंक्शन ऑफ थैलेमस, राइट। नाउ तो वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाइपोथैलेमस। एज यू सी इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि हाइपोथैलेमस थैलेमस के ठीक नीचे पार्ट में जो ग्रीन कलर का है, राइट, सॉरी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, दिख ही रहा होगा, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये वाला जो कलर है, ये वाला, ठीक, ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथैलेमस। क्या है ये, हाइपोथैलेमस। तो जैसे कि आप देख रहे हो थैलेमस कहाँ है, सॉरी हाइपोथैलेमस कहाँ है, थैलेमस के ठीक नीचे वाले पार्ट में है, और ये बहुत ही छोटा पोर्शन है जैसे कि दिख रहा है आपको, थैलेमस से बहुत ही छोटा है, और ये फोरब्रेन का तीसरा पार्ट है जो हम बोले थे। चलिए पढ़ते हैं। तो पहला ही जैसे क्वेश्चन वही आता है कि हाइपोथैलेमस है क्या, तो आप पिक्चर से देख लीजिए कि थैलेमस हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे पर नीचे पोर्शन में पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि यह है क्या थैलेमस। तो जैसे कि आप देख रहे हो द हाइपोथैलेमस इज स्मॉल रीजन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे छोटा रीजन है, द हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन, कहाँ लोकेटेड है, तो इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के जो बेस है एकदम बेस पे है, और साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में है, नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो पहला देखो ये चीज़ आपको मिलता है कि व्हाट इज़ हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस इज स्मॉल रीजन
of the brain situated at the base of brain near the pituitary glands. So that is the definition of hypothalamus. इस तरह से आप define कर सकते हो. ओके, सिचुएशन का बोलाएगा या लोकेशन का बताएगा, तो लोकेशन दिया हुआ बेस ऑफ द ब्रेन नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड्स. ओके, तो ये थैलेमस के बारे में जानकारी थोड़ी सी है. अब इसके बारे में जो है फंक्शंस, तो दूसरा क्या है फंक्शंस. तो सिंस इट इज़ अ वेरी स्मॉल द हाइपोथैलेमस प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. तो ये छोटा भले ही है लेकिन इसे छोटा मत समझो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है. राइट, जिसमें पहला ही आप देख रहे हो रिलीजिंग हार्मोन्स. हमारे बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज करते हैं उसको ये रेगुलेट करता है, मैंने कंट्रोल करता है. सेकंड थिंग, रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर. हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ज़्यादा होने नहीं देता है, कम नहीं होने देता है, रेगुलेट ना ही ज़्यादा होने देता है ना ही कम होने देता है. राइट, तो इसके ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके भी. और तीसरा, मेंटेनिंग डेली फिजियोलॉजिकल साइकिल. डेली फिजियोलॉजिकल साइकिल को वो मेंटेन करता रहता है. साथ ही साथ आपको जो भूख लगती है, ठीक है, भूख लगना, कंट्रोलिंग एपेटाइट्स, भूख लगना, भूख नहीं लगना, खा ले तो भूख नहीं लगता है, अब खा ले तो भूख क्यों नहीं लगती है, तो ये आपको सेंस करता है, बताता है कि आप खाना खा चुके हो इसलिए भूख नहीं लग रही है. जब भूख लगती है तो खाना आपको चाहिए, कैसे पता चलता है, तो ये आपको बताता है. हाइपोथैलेमस अगर नहीं रहेगा तो आप खाना भूख प्यास ये सब कुछ नहीं जान पाओगे. ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैनेजिंग ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर. सेक्सुअल बिहेवियर, आप कैसे बिहेव करते हो, ठीक है, सेक्सुअल बिहेव कैसा रहता है आपका सेक्सुअल बिहेवियर, ये भी क्या होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं. तो दीज आर द सम फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस. तो बच्चों आप लोगों के लिए इतना ही, ठीक है. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा दोनों पार्ट्स. तो इसके बाद वाला जो वीडियोस बनेगा उसमें हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे, जिसमें मिड ब्रेन आ जाएगा और हाइंड ब्रेन आ जाएगा. ओके, सी यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू लेटर, बाय.